और आज अजीबों की बातों में हमने फिर यूसुफ साहब को इनवाइट किया है। आप आफ्टर द पॉडकास्ट में थे ऑन द 23rd मार्च, एक बहुत ही अच्छा सा रिस्पांस आया, लोगों का फीडबैक आया और रिकमेंडेशन आई कि भाई वापस उनको बुलाया जाए। अच्छा, तो यूसुफ भाई से मैं कई सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड हूँ, तो एक उसमें से ये बात है कि यूसुफ भाई की जो अपेरेंस होती है वो हमेशा आउट क्लास होती है, जो उनको ना सबसे अलग कर देती है और एक अच्छा सा अच्छी वाइब्स देती है। तो आज मैं यूसुफ भाई से यही समझूंगा कि भाई ये अपेरेंस क्या होती है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार होता है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो यूसुफ भाई, व्हाट इज अपेरेंस? वट इज़ अपेरेंट थिंग? अपेरेंस क्या है? अपेरेंस जो दूसरे लोगों को आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप जो नज़र आ रहे हैं वो अपेरेंस है। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? इसकी क्या ज़रूरत? नहीं है अपेरेंस नज़र आना है, अब अच्छी हो या बुरी हो दोनों में फ़र्क है। तो बुरी होगी तो लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे, अच्छी होगी तो लोगों को आप पसंद आएंगे। लोगों को आप पसंद आएंगे तो लोग आपके पास आएंगे, लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे तो लोग आपसे दूर होंगे। भाई मुझे एज अ वर्कर, मैं 9 to 5 अपनी जॉब करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है यार मैं अपने इस तरह ये टाई शाई लगा के सब कुछ करूँ। नहीं, अगर तो अगर आप सिर्फ ऑफिस में बैठने का ही काम है आपका और लोगों से मिलना जुलना भी नहीं है और आप ऑफिस में ही बैठ के क्यों काम करें, तो उसमें देखें अगर आप ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं आप काम कर रहे हैं, आपका इतना बुरा हुलिया है कि और बदबू आती है तो बॉस का तो दिल भी नहीं करेगा आपका, ना आपको कभी बुलाएगा अपने पास ना आपके पास खुद आएगा। जब वो खुद नहीं आएगा, देखेगा नहीं आप काम कैसे करते हैं, क्या बात है, अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो फौरन छुट्टी कर देगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तब भी उसको पता नहीं चलेगा, या क्योंकि वो खुद नहीं आता और क्योंकि आपके मैनेजर भी नहीं आएगा आपके पास तो पता ही नहीं चलेगा, अच्छा ये जब लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। आपने जब ये स्टाइल डेवलप किया तो आपने क्या फ़र्क देखा कि भाई क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको, और आपने ये कैसे डेवलप किया होगा क्लोथिंग सेंस? लेकिन 2 साल पुरानी बात है, मैंने जो है अपनी ज़िंदगी दूसरी इंटर्नशिप की और उसमें जो है ऑफिस जाता था और क्योंकि ऐसे सच काम नहीं होता था तो मैं कमीज शलवार पहन के और चप्पल पहन के चले जाता था कि भाई मैं तो ऑफिस में ही बैठना है, आराम से काम करते हैं। तो वहाँ पे फिर जो है पाबंदी हुई कि भाई कमीज शलवार पहने यहाँ पे अच्छा, और यहाँ पे आज जूता पहनेंगे और जो है पैंट शर्ट से पहनेंगे, ठीक तो है। फिर हम काम होता रहा। काम में कमीज शलवार भी बहुत अच्छा करता था, मगर फिर उसके बाद हम पैंट शर्ट पे शिफ्ट हो गए, जूते पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। उस वक्त हम जॉगर्स पहन के जाते थे और जीन्स थी ब्लैक कलर की, तो थोड़ी उस रेंज में आ जाती थी कि फॉर्मल भाई हो जाता था। किसी हद तक। ठीक है। और फिर जो है फैक्ट्री जाना या किसी सेल्स के लिए जाना या कुछ करना, उसमें थोड़ा बेहतर हुलिया लगता था। उसके बाद मैंने एक और जगह इंटर्नशिप की, तो वहाँ पे हुआ कि जो है वहाँ पे जब मैं गया तो दूसरे दिन मुझे वहाँ किताब मिली, तो उस किताब में यही लिखा था कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कपड़े पहनने से क्या होता है, कौन से कपड़े का क्या मतलब है, कौन से किस्म के मोजे का क्या मतलब है, कौन सी अच्छा, किस्म की शर्ट पहनने का क्या मतलब आपको है। कोई याद हुआ ऐसा? हाँ देखो उसमें ना शर्ट के कलर, जैसे शर्ट की स्ट्राइप है उसका अपना मतलब है, मोजे में यू स्ट्राइप है अपना मतलब है, यू स्ट्राइप है अच्छा, अपना मतलब है, रेड स्ट्राइप यू है अपना मतलब है, येलो स्ट्राइप यू है अपना मतलब है, आप येलो कलर की शर्ट पहनते हैं उसका अपना मतलब है, आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, रेड टाइप पहनते हैं उसका अपना मतलब है। सबका अपना कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बिल्कुल हर चीज़ का अपना, हर शर्ट के कलर का अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जैसे काला है, काले के साथ लोगों को कभी कभी अच्छी फीलिंग आती है या कभी कभी एटीट्यूड वाली फीलिंग भी आ रही होती है, तो हर कलर के साथ जो है ना उसकी अपनी पीछे साइंस है कि कौन से कलर से आप कैसे लगेंगे, क्योंकि अगर दूर से आदमी आपको पहले पहले देखता है तो वो तो पहले आपको देखता है कि आप कैसे कपड़े पहने हैं आपने, आपकी टाई तो आउट नहीं है, आपकी शर्ट इस्त्री हुई हुई है। आपको इससे क्या फायदा हुआ, ये जो आपने इतना सारा झंझट मान ली कि भाई जल्दी उठना पड़ रहा है, ये बाल भी बनाने पड़ रहे हैं, दांत भी ब्रश करने हैं, सब कुछ करना है,
इतनी झंझट का फायदा क्या भाई मेरी जिंदगी में, क्या फायदा हुआ आपको? फायदे सच तो नजर नहीं आते, मगर जब भी कहीं जाते हैं, और क्योंकि हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक साहब है वो कहते हैं कि मौत और घा कहीं कभी भी और कहीं भी आ सकता है। अच्छा, तो देखें हर वक्त हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, और सूटेड बूटेड के जाना कहीं भी आपको सेल करने के लिए पिच करना पड़ेगा, या कोई भी आपको कहीं जो है ना ऑन स्पॉट कोई भी मिल सकता है। ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पेपर मिल है, तो वो हम लोग एक दिन ऑफिस जा रहे थे, तो रास्ते में फ़ोन आ गया कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं। अच्छा, तो वो मैं बीच वाली चप्पल पहन के और कमीज सलवार पहन के उस दिन ऑफिस गया था, तो वो तो मुझे आज इनिशियल टाइम में वो घूरते ही रहे सिर्फ। अच्छा, पहना हुआ गया ये क्या किस किस्म में आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि अब जो है ना उसके बाद कभी भी कहीं भी हो तो सूटेड बूटेड ही करना चाहिए। तो फिर जब उनका अगली दफ़ा ये केस हुआ तो उस वक्त मैं तैयार था, हमले के लिए तैयार था। तो फिर उन्होंने पिचिंग भी अच्छी की, फिर उन्होंने पिचिंग भी अच्छी की, थोड़ा फ्री भी हो गए वो, और फिर जो है उसका फ़ायदा तो हुआ वहाँ पे। यानी कम्युनिकेशन हमारी बेहतर हो जाएगी एक क्लोथिंग से। देखिए पहली नज़र में ही आप जो है ना उसको अपने, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर ट्रेंड होता है कि लोग सूटेड बूटेड होके आते हैं, तो एक तो उसको अपनाइयत थोड़ी लगेगी, क्योंकि अगर वो देखेगा कमीज सलवार में कोई आ गया या टी शर्ट में आ गया, उसको एक तो अलग अलग थोड़ा फील होगा, फिर उसको लगेगा भाई यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, थोड़ा और वो आपसे दूर होगा। फिर अगर आप खूबसूरत नहीं लग रहे होंगे, बाल नहीं बने होंगे, तो और थोड़ा दूर हो जाएगा। अच्छा, आप क्या हमें क्या रिकमेंड करेंगे हम अपने आप को कैसे तब्दील कर सकें, और मतलब अपनी ड्रेसिंग में आमतौर पर आप क्या देखते हैं सोसाइटी में मसला है कि भाई लोग नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए? सोसाइटी में तो हर तरीके के लोग होते हैं, बहुत से ज़्यादा लोग होते हैं वो तैयार और बड़े अच्छे तैयार रहते हैं, और जो है बड़े उसको हम बड़ा अच्छा जो है प्रेजेंटेबल अंदाज में वो हर वक्त रहते हैं। ठीक है, बाकी कुछ लोग होते हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते, बाल नहीं बनाते और कपड़े इस्त्री नहीं करते, या कहीं और कोई और चीज़ पहन के चले जाते हैं, तो उसमें इश्यूज होते भी हैं, उसके अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं। अच्छा, पेरेंट्स के अंदर क्या सिर्फ कपड़े और ख़वातीन या मर्दों के लिए मेकअप ही शामिल होता है, या फिर इसमें जो माउथ फिटनेस है यानी हाइजीन भी शामिल होगी, फिटनेस भी होगी? जब मैं आपके इतने दूर बैठा हूँ और अगर मुझे बदबू आ रही होगी तो मैं तो स्क्रीन से ही बाहर हो जाऊँगा। अच्छा, यानी अभी नहीं आ रही यार? जी जी, देखें अगर आपके आप शेप वेप नहीं बनाएंगे, जैसे आपने बाल छाल बना के आजकल अजीबों की बातें कर रहे हैं, तो अगर आप ये नहीं करेंगे लोगों को आप अच्छे नहीं लगेंगे, लोगों को आप अच्छे नहीं लगेंगे तो लोग देखेंगे नहीं आपको। तो यूसुफ भाई से बहुत बहुत शुक्रिया, वो आए और आज उन्होंने कई सारी कीमती मालूम से हमें हम आराधना किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हम इन फ्यूचर यूसुफ भाई को फिर तंग करेंगे। फजल भाई की एक अनाउंसमेंट है, कल का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो कल के लिए आप सब मुंतजर रहें, हक्का बक्का होने वाले। बिल्कुल, तो कल एक बहुत बेहतरीन शो होने वाला है इंशाल्लाह। भी हम यूसुफ भाई से चाहेंगे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, अगर कुछ लास्ट वर्ड्स आप शेयर करें। लास्ट वर्ड्स देखिए, बस खुश रहें, दूसरे लोगों को ले अच्छे लगें, क्योंकि कपड़े और हमारी जो अपेयरेंस होती है वो दूसरों के लिए होती है, क्योंकि हम तो अपने आप को देख नहीं रहे होते, दूसरे ही हमें देख रहे होते हैं। तो ऐसे तैयार हों या ऐसे आप रहें कि दूसरों को आप अच्छे लगें, देखने में बुरा ना लगे, लोग आपसे दूर ना होना चाहें बल्कि आपके करीब होना चाहें। ठीक है, और एक बात मैं बता कम करना भूल गए, यूसुफ भाई ने मुझे एक बात ये भी बताई थी कि हुदूद में रहते हुए अपेरेंस का करना है, कि मतलब इसको ज़्यादा दिल भी नहीं लेना, या जो हम लोग देखते हैं कि सर्जरीज लोग करवाते हैं बतौर अपेरेंस के लिए, तो इस वक्त इसके ऊपर भी आप कुछ फाइनल कमेंट्स दे दें। देख, सर्जरी लोग अलग अलग वजह से कराते हैं, कुछ लोगों को जो है पागलपन होता है कि भाई
मैंने मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरे कान ऐसे होने चाहिए, तो वो 500 सर्जरियाँ करा लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो कराते रहें। और कुछ लोग होते हैं जिनका खुद कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसे हो जाता है, तो उसके लिए वो कराते हैं। तो वो नहीं, हर चीज़ की हदूद है। अगर मैं भी चार शर्टें पहन की हूँ बैठ जाऊँ तो पागल ही लगूँगा, चाहे वो अच्छी भी हों, खूबसूरत शर्टें हों, मगर अगर तमीज से एक ही शर्ट पहन के तो शायद बेहतर लगे। उसको अपने ऊपर सवारे नहीं, मसला ना बनाए। बिल्कुल जी, चले तो बहुत बहुत शुक्रिया, टाटा फॉर टुडे।